अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्राना में आप सभी को शामदीद करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट राना शरोज, और आज की वीडियो में आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसका यूज करते हुए आप अपने व्हाट्सएप के लिए मुख्तलिफ स्टिकर्स और इमोजीज बना सकते हैं, वो भी फ्री में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऑनलाइन अर्निंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलती है फ्री में। तो चले हम आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं। इस एप्लीकेशन का यूज करते हुए आप मुख्तलिफ किस्म के फनी इमोजीज बना सकते हैं, स्टिकर्स बना सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ फन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिस तरह हम अपनी नॉर्मल चैट्स के ऊपर जो स्माइलीज भेजते हैं, क्राइंग स्माइली जो है वो हैप्पी स्माइली या इस तरह की कुछ गुस्से वाली स्माइली, कुछ भी इस तरह की जो स्माइलीज भेजते हैं, आप फर्दर क्या कर सकते हैं, आप अपनी खुद की तस्वीरें खींच सकते हैं उस तरह के एक्सप्रेशंस देके, जैसे गुस्से में एक्सप्रेशन देके, खुश होके, हैरान होके, वो आप तस्वीरें खींच सकते हैं, और फिर इस एप्लीकेशन के जरिए जो है वो आप अपनी अपने स्टिकर्स बना सकते हैं जिनको आप स्माइली की जगह के ऊपर जो है अपने दोस्तों को और जो है अपने कजन को जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो चले हम वीडियो को शुरू कर जी। तो दोस्तों, जो एप्लीकेशन हम यूज करेंगे उसका नाम है स्टिकर मेकर, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं चले उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली क्रिएट अ न्यू स्टिकर पैक के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर आप जो भी नाम लिखना चाह रहे हैं आप नाम लिखते हैं। मैं यहाँ पर चले टेस्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं व्हाट्सएप लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जब ये हमारी जो है वो एक समझ लेके एक प्रोफाइल सेट हो गया, तो इसको जब आप दोबारा क्लिक करेंगे, तो इसको क्लिक करने के बाद देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन होगा। आप ऊपर आप देखेंगे तो ट्रे आइकॉन, इसका मतलब ये है कि जो आपका एक इमोजीज का स्माइलीज का जो सेट बनेगा एक, ये यहाँ पर उसकी डिस्प्ले इमेज जिस तरह हमारी प्रोफाइल पिक्चर होती है, ये यहाँ पर हमने वो सिलेक्ट करनी। तो चले, तो दोस्तों अपनी जो है वो आइकॉन सेलेक्ट करने के लिए आपको ट्रे आइकॉन के ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको अपनी गैलरी ओपन कर लेनी है जहां पर आपने जो है अपनी इमेज को जो सेव किया हुआ है। तो चले मैं गैलरी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये मेरी गैलरी में कुछ तस्वीरें आएंगी, तो मैं चले यहाँ पर सलमान खान की तस्वीर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये तस्वीर यहाँ पर अपलोड होगी। अब आप नीचे देखेंगे ऑप्शन जहां पर ग्रीन कलर का जो है बॉक्स बना हुआ, उसके अंदर कैंची सीजर बनी हुई है, तो वहां पर लिखा हुआ है फ्री हैंड, और उसके साथ ऑप्शन जो आपको मिल रहा है स्मार्ट सेलेक्ट का, तो आपको दोस्तों स्मार्ट सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्मार्ट सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ये जो इस एप्लीकेशन का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट करेगी तस्वीर में से, और आपके इर्द गिर्द जो है वो सारी तस्वीर जो है क्रॉप करके आपकी जो है वो एक स्टिकर बना लेगी। जी तो दोस्तों, हमारा स्टिकर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं सेव स्टिकर पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों हमने सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारा जो है वो आइकॉन बन गया। अब हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, और मैं आपको जो है वो पहली स्माइली हमारी जो बनाकर दिखाता हूँ। अब आप चाहें तो आप अपने एक्सप्रेशन की दे सकते हैं, या आप सिंपल अपनी कोई तस्वीर लगा सकते हैं। तो चले मैं ये जो बंदा हैरान हुआ हुआ है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर इसके हम स्टिकर बना के देखते हैं हमें कैसा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह आपको सिंपली स्मार्ट सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, और इस एप्लीकेशन का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इसको जो है वो डिटेक्ट करके और क्रॉप करके आपका एक स्टिकर बना देगा। जी तो दोस्तों, इसी तरह जो है मैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूं, और यहां पर मैं गैलरी ओपन करने के बाद जो भी मेरी इमेज है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये फर्ज करें मैं रोने वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद इमेज जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको स्मार्ट सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, और ये ऑटोमेटिकली जो आपकी तस्वीर को डिटेक्ट करके आपकी जो इमेज को क्रॉप कर लेगी और आपका जो स्टिकर बन जाएगा। अब उसके बाद का फिर मैं आपको स्टेप बताता हूँ। मैं तीन चार तस्वीरें सिलेक्ट ऑटोमेटिकली सारी कर लेता हूँ, फिर एंड में आपको बताता हूँ कि इसको फर्दर हमने व्हाट्सएप पे इम्पोर्ट कैसे करना है। जी तो दोस्तों, जो भी स्टिकर्स हमने बनाए थे वो हमने यहाँ पर बना लिए हैं। इसके बाद आपको ये ऐड टू व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप ऐड टू व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये एक ऐड शो होगा, तो इसको आपने कैंसिल कर देना है, और दोबारा अगर ऐड टू व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टिकर जो है ये देखें, वुड यू लाइक टू ऐड टू व्हाट्सएप, आप इसे ऐड पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये स्टिकर जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों, जब आप अपनी व्हाट्सएप ओपन करेंगे और आप न्यू मैसेज में जाएंगे, और फर्ज करें कि मैं अपने आप को ये मैसेज भेज लेता हूं, और मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर आप जब स्माइली ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि स्माइली में आपको ये तीसरा ग्रीन कलर का बटन राइट साइड पर नजर आ रहा है चैट की स्माइली में। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर जो है वो हमारे जो है स्टिकर यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप जब इसे ओपन करेंगे तो देखें स्टिकर यहाँ पर सेंड होना शुरू हो गए।
तो दोस्तों ये वीडियो थी जिसके जरिए आप अपनी तस्वीरों के जो है स्टिकर्स बना सकते हैं, अपने दोस्तों को जो है वो सरप्राइज कर सकते हैं। काफी फन है, काफी मुझे तो एप्लीकेशन काफी अच्छी लगी और मेन बात यह है भी फ्री में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यार 2.5 साल हो गए मेरे चैनल को और अभी तक सिर्फ 28,000 सब्सक्राइबर्स हैं भाई लोगों, जल्दी से करें, 1 लाख तक हमने पहुंच रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आपको मजीद कोई इंफॉर्मेशनल वीडियो चाहिए तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर लाजमी वीडियो बनाऊंगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।